हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी 13 5G फ़ोन है, तो रेडमी 13 5G फ़ोन की सॉरी वीवो T3X फ़ोन तो वीवो T3X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में कैसे आप लैंग्वेज वगैरह को कैसे चेंज कर सकते हैं वीवो T3X 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर अपने फ़ोन में आप लैंग्वेज कैसे चेंज कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं, इसमें स्वाइप करना है, स्वाइप करती है ऑल आइकन से ओपन सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। इस पर जाकर आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं कि इसका यूज़ कर सकते हैं, और अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर अपने फ़ोन में आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि सेटिंग्स शो हो रही है। तो लैंग्वेज कैसे चेंज करेंगे, तो आपको सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है, सिस्टम सेटिंग्स पे जाकर लैंग्वेज यानी इनपुट सेटिंग्स पे चले जाना है। फिर आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर जाकर फ़ोन की लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में सिंपली। जैसे आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं कोई भी लैंग्वेज, तो हम जैसे हिंदी लैंग्वेज ऐड कर देंगे, ऐड करते फिर स्लाइड कर देंगे, स्लाइड करते जो भी लैंग्वेज आपकी हिंदी में हो जाएगी। जैसे देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज है आपकी हिंदी हो चुकी है, भाषाएं बदल चुकी हैं, तो इसमें से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से इस तरीके से इंग्लिश भी कर सकते हो, इंग्लिश करती जो लैंग्वेज आपकी पहले जैसे इंग्लिश हो जाएगी उस तरीके से शो करेगी। तो इस तरीके से अपने वीवो T3X फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हैं और कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।